ठीक है, तो परकिन रिएक्शन से हम शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कार्बन कार्बन हेट्रो बॉन्ड पे एडिशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो परकिन रिएक्शन क्या है? इसमें कीटोन या फिर एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? रिएक्शन प्रेजेंट होता है आपका एसिड एनहेड्राइड के प्रेजेंस में, ठीक है। कीटोन जनरली इसमें आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड रिएक्शन करता है, जिसको हम एरोमेटिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, C6H5CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। ये आपका रिएक्शन किससे करेगा? एसिड एनहेड्राइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो व्हाट इज परकिन रिएक्शन? परकिन रिएक्शन में आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद एसिड एनहेड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसमें जो सबसे अच्छी वाली बात है वो ये है कि जो हम लोग बेस यूज करते हैं वो उसी का बेस होता है जिसका हम एसिड एनहेड्राइड यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, देखिए C6H5+CH3C(OOCOCH3), ये क्या है? ये एसिटिक एनहेड्राइड है, ये एसिटिक एसिड, दो मॉलिक्यूल हम एसिटिक एसिड का लेंगे। एसिटिक एसिड क्या है आपका? CH3COOH को हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल आप एसिटिक एसिड का लेंगे, CH3COOH+CH3COO, उसमें से आप H2O को निकाल देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं इसको हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड में से H2O अगर आप निकाल देंगे तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका एसिटिक एनहेड्राइड बन गया, जो कि CH3COOCOCH3 है, ठीक है। इसमें इन दोनों के बीच में से H2O मॉलिक्यूल को निकाल दिया गया है, जैसा कि नाम भी है एसिड एनहेड्राइड, मींस उसका एक मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है, ठीक है। और जो हम यहाँ एग्जांपल में देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम CH3COONA ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका बेस है। CH3COOH एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड होता है। उसका कॉन्जुगेशन में अगर हम उसको उसमें से H प्लस निकाल दें तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या होता है? CH3CO-। तो ये सोडियम सॉल्ट है एसिटिक एसिड का, ठीक है, CH3CONA। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो हम लोग बेस यूज करते हैं वो जिसका एनहेड्राइड यूज करेंगे उसी का बेस यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एनहेड्राइड किसका यूज कर रहे हैं? एसिटिक एसिड का एनहेड्राइड यूज कर रहे हैं। तो हमने उसी का एसिटिक एसिटेट यानी कि उसी का हमने यहाँ बेस भी लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए लिखा भी है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट साइड रिएक्शन द बेस दैट इज यूज टू मेक द एनायन ऑफ द एनहेड्राइड इज यूजली द सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड करस्पॉन्डिंग। मतलब कि जो हम एनहेड्राइड यूज कर रहे हैं हम बिल्कुल वही आपका उसी का सॉल्ट भी यूज करेंगे एज ए बेस, ठीक है। तो और हाँ, ये आपका जो परकिन रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, इसमें C6H5CHO को हम एसिटिक एनहेड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है? देखिए यहाँ पे C6H5CH(CH3COOH), इसी को हम सिनामिक एसिड भी कहते हैं। C6H5CH(CH3COOH), इसको हम क्या कहते हैं? सिनामिक एसिड कहते हैं। तो जो परकिन रिएक्शन होता है आपका, उससे सिनामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या है परकिन रिएक्शन आपका? परकिन रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड का एसिड एनहेड्राइड से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विच इज सॉल्ट ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग एनहेड्राइड, ठीक है। वो उसी का सॉल्ट होता है जो एनहेड्राइड हम लोग जिसका यूज करते हैं। और हमको मिलता क्या है? बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। यहाँ पे देखिए लिखा है हमने, ये आपका है बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसी को अगर हम यहाँ पे C6H5 ले रहे हैं, यानी कि कोई और सब्सटिट्यूएंट नहीं लगाया C6H5 में, तो ये आपका हो गया C6H5CH(CH3COOH), ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, ये तो बार बार ऐसे मांग रहा है, बड़ा दिक्कत है इसमें। चलिए ये देखिए, इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग, ठीक है। मैकेनिज्म में
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग. पहला है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, उसके बाद एडिशन रिएक्शन. देखिए अभी हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, नेम रिएक्शन, जैसे एल्डोल रिएक्शन हमने पढ़ा अभी तक, ठीक है, परकिन रिएक्शन पढ़ेंगे, इसके आगे स्टोबे कंडेंसेशन रिएक्शन है और बेंजोइन कंडेंसेशन है. तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये सारे रिएक्शन में इनोलेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है. और इनोलेट होता क्या है आपका, इनोलेट माने कि CH2 पे माइनस चार्ज लग जाना, जो कि आपका सी डबल बॉन्ड ओ से कॉन्जुगेशन में है, यानी इन और ऑल का जहां पर फॉर्मेशन हो सके. तो ऐसे रिएक्शन ये आपको तो याद ही करना पड़ेगा कि जैसे परकिन रिएक्शन हो गए, बेंजोइन कंडेंसेशन हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ये सारे रिएक्शन इनोलेट के थ्रू ही होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो इन सारे के सारे रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम दो सब्सट्रेट ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे C6H5CH2 लिया और CH3C डबल बॉन्ड OOCOCH3 लिया, ठीक है. तो इन दोनों में पहला स्टेप जो होता है वो क्या होगा, इनोलेट फॉर्मेशन, ठीक है. सबसे पहले इनोलेट का फॉर्मेशन होता है और वो फिर जब इनोलेट बन जाता है तो वो इनोलेट जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है उसमें वहां पे अटैक करता है, क्लियर, जैसा कि सब में हमने अभी तक देखा. तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट हो रहा है, जो कि आपका एसिड, एसिटिक एसिड का जो एनहेड्राइड है और हमने जो यहाँ बेस यूज किया है, हमने क्या बेस यूज किया है, CH3COO-Na+, ये हमारा बेस है. तो बेस का काम क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि बेस का काम है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, है ना. तो यहाँ पे देखिए CH3 जो है उसके बगल में वैसे भी सी डबल बॉन्ड OO लगा है, जो कि बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. तो बहुत आसानी से CH3 एक हाइड्रोजन क्या कर देगा, दे देगा, H+ के फॉर्म में दे देगा और उसके ऊपर आ जाएगा CH2- चार्ज, जो कि हम लोग यहाँ रिएक्शन में देख रहे हैं कि आफ्टर द एडिशन ऑफ बेस CH2- सी डबल बॉन्ड OOCOCH3, ये आपका एक तरह से कार्बन अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कार्बन अनायन सी डबल बॉन्ड ओ से कॉन्जुगेशन में रहेगा. देखिए हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ हमने कॉन्जुगेशन का दोनों का स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये बना हुआ है यहाँ पे. तो इसी को हम कहते हैं इनोलेट का फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ये CH2 डबल बॉन्ड सी जो है ये आपका इन के फॉर्म में आ जा रहा है. ये दोनों बहुत ही स्टेबल हैं क्योंकि ये आपस में कॉन्जुगेट करते रहते हैं, ठीक है. इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट हो रहा है यहाँ पे, बहुत इजी है. हमको सबसे पहले इनोलेट को फॉर्म कर देना है, जो कि इस तरीके से बन गया. सेकेंड स्टेप सबको पता है, C6H5C डबल बॉन्ड OH हमने यहाँ यूज किया है, ठीक है. ये हमारा बेंजल्डिहाइड है और सी डबल बॉन्ड ओ जहाँ कहीं भी होता है उस पर एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ बहुत ही ज्यादा पोलर होता है. ओ क्योंकि आपका ओ पार्शियली नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा और सी जो है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, ठीक है. तो सी डबल बॉन्ड ओ के तरीके से वो ब्रेक करता है, सी पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है. तो और हमने यहाँ पे जो इनोलेट लिया है, इनोलेट में क्या होता है, इनोलेट में आपका माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होता है, कार्बन अनायन का फॉर्मेशन होता है. तो ये कार्बन अनायन C+ पे अटैक करेगा और ये O- ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं. तो क्या फॉर्म हो रहा है, C6H5CHO-, और इस पे आके पूरा का पूरा जो हमारा एनहेड्राइड था वो जुड़ गया है CH2 सी डबल बॉन्ड OOCOCH3, ठीक है. सबको समझ में आ रहा है ये चीज. पहले स्टेप में हमारा इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ और दूसरे स्टेप में इनोलेट जो है आपका कार्बन आयन जो फॉर्म किया है वो बेंजल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके इस तरीके से फॉर्म कर लिया, ठीक है. अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंट्रा मॉलिकुलर अटैक का है, वहां चलते हैं हम लोग. इंट्रा मॉलिकुलर अटैक का है, ठीक है, ये है, इसको देखिए, ये है आपका इंट्रा मॉलिकुलर अटैक ऑफ एल्कॉक्सीसाइड. ये हमने कुछ अलग नहीं बनाया है, ये वही चीज है जो हमारा फॉर्म हुआ था, C6H5CHO- CH2 सी डबल बॉन्ड OOCOCH3, जो हमारा फॉर्मेशन था आफ्टर एडिशन ऑफ कार्बन अनायन टू सी डबल बॉन्ड O, बिल्कुल वही चीज है. इसमें इंट्रा मॉलिकुलर अटैक हो जा रहा है, किसका हो रहा है, ये O- क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कैरी कर रहा है. अब देखिए उसमें सेकेंड ग्रुप भी आपका सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उस पे ये O- अटैक कर ले रहा है. और फाइनली यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म इसका कैसे चल रहा है,
जब ओ माइनस ने सीओ पे अटैक कर लिया तो यहाँ ओ से जुड़ गया है, ये इलेक्ट्रॉन टाइप का फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पे ओ से बॉन्ड जुड़ गए हैं। और फिर जब ये माइनस चार्ज यहाँ वापस रिटर्न कर रहा है तो यहाँ से ब्रेकिंग हो जा रही है। ये देखिए इस तरीके से, सी सिक्स एच फाइव सी एच, ऊपर आपका ओ सी ओ सी एस थ्री बन गया है और नीचे आपका सी एस टू सी ओ ओ माइनस। ठीक है, ये स्टेप इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक ऑफ एल्कोक्साइड का है, सीओ पे अटैक कर रहा है और बाद में वो बॉन्ड इस तरीके से टूट रहा है। इसमें क्या एडिशनल हो रहा है, देखिए इसमें एडिशनल ये हो रहा है कि हमको जो नया मिल रहा है यहाँ पे, ये एस्टर का लिंक मिल जा रहा है, ओ सी ओ सी एस थ्री, है ना। और यहाँ पे क्या था, वो चीज यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे केवल सी एच ओ माइनस था, और इस जगह पे जो नीचे हम लोग को मिल रहा है सी एच ओ सी ओ सी एस थ्री हो गया, और नीचे आपका ये एसिटेट बन गया। सी एस टू सी ओ ओ माइनस क्या है, ये आपका एसिटेट है। ठीक है, अब यही जो एसिटेट का फॉर्मेशन हुआ है इसी पे आपका अगला मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड का अटैक करेगा। हम लोग पढ़े हैं ना कभी कभी, जैसे एसिटिक एसिड का एसिटाइलेशन जिसको कहते हैं, ओ ए सी का एडिशन। ठीक है, यहाँ पे सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस है, उस ओ माइनस पे आपका ए सी आके लग जाएगा। कहीं भी अगर ए सी लिखा है, जैसे कि यहाँ नीचे आप देख रहे हैं फोर्थ नंबर पे हमने यहाँ पे डाला हुआ है एसिटाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट, डाला हुआ है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे ए सी टू ओ लिखा है। वॉट इज दिस ए सी टू ओ, यही जो हम लोग यहाँ पे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस सी ओ सी एस थ्री, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड को हम लोग लंबे में लिख रहे हैं सी एस थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एस थ्री, उसी को इन शॉर्ट में ए सी टू ओ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ए सी होता है वो हम लोग असाइल को बोलते हैं ए सी, या ए सी कहीं भी है इसका मतलब सी एस थ्री सी ओ। ठीक है, ए सी कहीं पर भी है तो उसका मतलब क्या हो गया, सी एस थ्री सी ओ असाइल। ठीक है, तो यहाँ ए सी टू ट्वाइस है, ए सी ट्वाइस ओ, माने कि सी एस थ्री सी ओ का होल ट्वाइस ओ। बात समझ में आ रही है? तो जो हमने वो लिखा है शुरू शुरू में एसिटिक एनहाइड्राइड जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसी को इन शॉर्ट ए सी टू ओ लिखा जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग, एसिटाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट। एसिटाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट, ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज उसी के आगे चल रहा है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। फोर्थ स्टेप है ये एसिटाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट, इसमें सी सिक्स एच फाइव सी एच ओ, ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, इस टाइप का फॉर्मेशन हो गया था, और नीचे कार्बोक्सिलेट सी एस टू सी ओ ओ माइनस। ठीक है, ये जो इंटर मॉलिकुलर अटैक के बाद हमको मिला वही लिखा है हमने यहाँ पे, इसका फिर से एसिटाइलेशन हो रहा है। एसिटाइलेशन देखो दो चीज होता है, एसिटाइलेशन का मतलब कहीं पे सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री का एडिशन हो जाना, उसको हम कहते हैं एसिटाइलेशन। और ये जो ए सी टू ओ है वो हमने समझा दिया आपको, ये कुछ और नहीं है, कोई नया चीज नहीं है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड को ही हम इन शॉर्ट ए सी टू ओ लिखते हैं, जिसमें ए सी का मतलब सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन जो कि दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, अब ये ए सी टू ओ जो है, अगर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान दें, जरा सा वेट करिएगा एक मिनट, यहाँ पे जरा देखिए, ये देखिए, ये आप लोग को दिख रहा है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ओ सी एस थ्री, इस इतने पार्ट को ही हम यहाँ पे, ये जो इतना पार्ट है ना इसी को हम ए सी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ ए सी बोलते हैं, और फिर ये ओ हो गया, और ये फिर ये आपका ये इतना क्या हो गया, ए सी हो गया। क्लियर है? तो ये आपका ए सी ट्वाइस और बीच में ये कॉमन ओ है। एसिटाइलेशन कैसे होता है? एसिटाइलेशन होने के लिए ये ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा तो एक के पास चला जाएगा माइनस और इसके पास हो जाएगा ये प्लस। क्लियर है सबको? एसिटाइलेशन कराने के लिए ये जो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हमें दिख रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। किस तरीके से? यहाँ से ब्रेक होगा, ये ओ माइनस अलग हो जाएगा और ये सी ओ प्लस अलग हो जाएगा। तो यही सी ओ प्लस जो है वो आपका वहां पे ऐड हो जाएगा। अब ये हम इसको हटा रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए इतना लगाया मैंने। ठीक है,
अब मैं वापस से रिएक्शन पे जा रही हूँ, ये Ac2O को समझा दिया और इस कैसे ब्रेक कर रहा है ये मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक, या तो यहाँ से ब्रेक करिए, या तो यहाँ से ब्रेक करके इसको प्लस इसको माइनस कर दीजिए, या तो यहाँ से ब्रेक करके इसको प्लस इसको माइनस कर दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, ये आपका Ac2O ही है, क्लियर है सबको। तो इसमें से जो दो पार्ट मिलेंगे हमको, एक CH3CO+, वही आपका O- से जाके जुड़ जाएगा और उसको हम कहते हैं एसिटाइलेशन, ठीक है। वहां पे जा रहे हैं हम, ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका O- है, यहाँ देखिए जो हम प्रोडक्ट लिखे हैं, उस O से आपका COCH3 जुड़ गया है, ठीक है। O- के आगे यहाँ पे हम COCH3 जोड़ दिए हैं और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O O- बाहर निकल गया है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया इसमें क्या हो रहा है। इसमें आपका जो कार्बोक्सिलेट है उसका एसिटाइलेशन हो रहा है। एसिटाइलेशन किस तरीके से हो रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड ही आपका दो पार्ट में हो जा रहा है, CH3 CO- बाहर निकल जा रहा है और COCH3 O- से अटैच हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये सब कुछ दिख रहा है, ये हमारा अभी रिजल्टिंग ये बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, फिफ्थ स्टेप। नाउ व्हाट इज दिस योर फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए हम जो हमारा बन रहा था वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ जो CH3 COO- आपका बाहर निकला था इस स्टेप में, ठीक है, CH3 COO- जो आपका बाहर निकला था, अब ये क्या चीज है, ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, एसिटिक एसिड का। CH3 COOH आपका क्या है, एसिटिक एसिड है, और CH3 COO- क्या है आपका, कॉन्जुगेट बेस है उसका। तो ये CH3 COO- विल एक्ट एज ए बेस, ठीक है। और बेस का काम क्या है, एच को एब्स्ट्रैक्ट करना, और यहाँ ये हम जो एरो से दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए इसको, ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है ना, H के H प्लस के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा और जो H का माइनस चार्ज आएगा वो CH डबल बॉन्ड CH फॉर्म कर लेगा, क्लियर है आप लोगों को। जब यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये ऊपर से CH3 C डबल बॉन्ड OO निकल जाएगा इस H को लेके, क्लियर है। तो यहाँ पे CH3 COOH निकल जा रहा है और फॉर्म क्या हो रहा है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, बाकी जितना भी नीचे है वो हमको लिख देना है बस, डबल बॉन्ड OO CO CH3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये आपका। हाइड्रोलाइज होने का क्या मतलब होता है, हाइड्रोलाइज होने का मतलब होता है कि सी डबल बॉन्ड O जो है और ये बीच में OCOCH3 है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। या तो आप O के पहले बॉन्ड तोड़िए या तो O के बॉन्ड बाद में बॉन्ड तोड़िए। इसका हाइड्रोलाइजेशन मतलब H2O का एडिशन होके बॉन्ड टूट जाना, यानी कि एक तरफ H जुड़ जाएगा और एक तरफ आपका OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोलाइजेशन कैसे हो रहा है इसका, हमने इसी को E फॉर्म में, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है उसी को हम E के फॉर्म में लिखे हैं, C6H5 फिर CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका COO CO CH3, H2O का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए क्या हो रहा है, देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस वन, ये वाला जो पार्ट है, या तो आप इसको यहां से ब्रेक करिए या तो इसको आप यहां से ब्रेक करिए, क्लियर है। मान लीजिए हम इसको अगर यहां से ब्रेक करते हैं तो इधर H ऐड हो जाएगा और इस तरफ आपका OH ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलाइजेशन मतलब क्या होता है, बॉन्ड का टूटना विथ एडिशन ऑफ H2O। हम ये कई बार आपको क्लास में भी बता चुके हैं कि हाइड्रोलाइजेशन मतलब होता है H2O के एडिशन के साथ बॉन्ड का टूटना। तो या तो यहाँ से तोड़िए या तो यहाँ से तोड़िए आप। यहाँ से तोड़ोगे तो इधर आप OH जोड़ोगे, इधर H जोड़ोगे, यहाँ से तोड़ोगे तो इधर H जोड़ोगे, इधर OH जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, ये C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH लग जाएगा, यानी कि ये पूरा एसिड, यहाँ देखिए ये फॉर्म जो हो गया आपका ये वाला C6H5CH डबल बॉन्ड C, यहाँ COH और ये H हो गया, और ये जो है यहाँ पे ये CH3COO OH को लेके यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो सबको ये चीज क्लियर हो गया, ये रिएक्शन सबका क्लियर हो गया होगा। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है परकिन रिएक्शन। तो परकिन रिएक्शन में इन शॉर्ट अगर पढ़ना है तो
कुछ नहीं है, सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ ओ एच, ठीक है। सिनामिक एसिड भी इसको कहा जाता है, तो अगर कहीं सिनामिक एसिड आपको आए तो ये मतलब बर्किन रिएक्शन के थ्रू अगर प्रोजेक्ट पूछ रहा है और सिनामिक एसिड बनाया है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सिनामिक एसिड बर्किन रिएक्शन से ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो इसमें कंसेप्ट मेन है वो इंट्रा मोलिकुलर अटैक ऑफ एल्कोक्साइड, जो आपको याद करने वाली चीज है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट वो बहुत ईजी है, सेकेंड स्टेप एडिशन रिएक्शन ऑफ इनोलेट है, वो आपको एडिशन कर देना है, वो बहुत सिंपल है। थर्ड स्टेप में इंट्रा मोलिकुलर आपको अटैक कराना है एल्कोक्साइड का सी डबल बॉन्ड ओ पर, ठीक है, ओ माइनस का सी डबल बॉन्ड ओ पे, वो आपका एक लैक्टोन टाइप का फॉर्म हो जाएगा, और फिर जब वापस से उसके चार्ज निकलेंगे तो ऊपर एस्टर और नीचे कार्बोक्सिलेट रहेगा, ठीक है। और जो नीचे कार्बोक्सिलेट रहेगा उसका फिर हम क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन कराएंगे, यानी कि फिर से उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड का एडिशन करेंगे, तो ओ माइनस से आपका सीओ सी एस थ्री जुड़ जाएगा, फिर लास्ट में जो सी एस थ्री सी ओ माइनस है वो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, वो बहुत जरूरी है क्योंकि हमको सी एच डबल बॉन्ड सी एच चाहिए लास्ट में, तो ये आपका एलिमिनेशन करके सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ फॉर्म कर लेता है, जिसका हाइड्रोलाइजेशन करा दे अगर हम, तो आपका वापस से ही वो सिनामिक एसिड फॉर्म हो जाता है और एसिड वहां से निकल जाता है। तो ये परकिन रिएक्शन था आपका, ये हो गया खत्म। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है स्टोबे कंडेंसेशन, या तो उसको हम कल पढ़ाएं अब, क्योंकि एक इसको आप देख लीजिए पढ़ लीजिए, मुझे लगता है इतना काफी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ओके। इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको वीडियो डाल भी देंगे, जिनका छूटा होगा वो भी देख लेंगे, और बाकी इसका खुद से आप लोग नोट्स बनाइए घर पे। और मैंने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आई होप कि आप लोग उसको कर लिए होंगे, बताइएगा कैसे किया है, और अगर नहीं आएगा तो उसको हम आपको बता देंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करा देंगे, ओके, थैंक यू।